आपसे एक क्वेश्चन करा था कि वो जब वो फेरे वेरे पड़ते हैं और वो एक अंगूठी ले लेते हैं, वो मांग में सिंदूर भरते हैं, भाई आज से लड़की जो अपने पति से जो कुछ मांगेगी आज से इसका अधिकार हो गया, तो इसमें क्या कहेंगे आप? अधिकार नहीं हो गया, जो सिंदूर लगाया जाता है, वैसे तो मैंने भी सिंदूर लगाया लेकिन क्यों लगाया वो भी मैं बता के जाऊंगी। ये जो सिंदूर लगाया जाता है वो उसकी गुलामी होती है कि आज से तेरी गुलाम है, गुलामी के पत्नी, पत्नी पत्नी गुलाम है, पति की गुलाम पत्नी निशानी के तौर पे लगाया जाता है। लेकिन बहुत सी महिलाएं मुझसे पूछती हैं जी आपने भी सिंदूर लगाया है, लेकिन मेरा समाज ये बहुत ज़्यादा सोया हुआ है, मैं सिंदूर लगाऊं या ना लगाऊं मुझे कोई फ़र्क ना पड़ता, मैं बिछुए पहनूं या ना पहनूं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा है कि मेरा धर्म परिवर्तनशील है, अगर मुझे अपने समाज की महिलाओं को केवल एक सिंदूर लगाकर बौद्ध धर्म में लाना पड़ा तो मैं लगाऊंगी, केवल एक सिंदूर की वजह से मैं इन महिलाओं को पीछे नहीं रखना चाहती। ये सिंदूर कुछ नहीं है, केवल पति की गुलामी की निशानी है। और ये है कि जब हमारे यहाँ हमला हुआ तो जो हमलावर आए थे उन्होंने पहले तलवार से निशान बनाया और ये कहते थे कि ये मेरी है। मैडम जैसे आप बाहर जाती हो, गांव-गांव में जाती हो, तो आपके पति का आपके साथ में कैसा रवैया, यानी पति और सास नंद का कैसा रवैया है, पहले आप सास नंद की बताएं। जी मेरी सास तो है नहीं, शादी से पहले ही वो नहीं है, मेरी ननंद भी मेरे पास नहीं रहती है, वो शादीशुदा है। लेकिन मेरे पति मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, मेरे बच्चे मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं और मेरा पूरा परिवार मुझे सपोर्ट करता है। अगर आज मैं जा रही हूँ तो ये मेरे पति की ही सपोर्ट है, अगर पति की सपोर्ट ना हो तो मैं ये शायद इतना काम नहीं कर पाऊँ जितना आज कर रही हूँ। आप आम महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती है इस रूढ़िवादी संदेश के, आप जो रूढ़िवादी आजकल व्यवस्था चल रही है, तो इन महिलाओं को आप कैसा छुटकारा दिलाना चाहती है, क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं महिलाओं को केवल ये संदेश देने की कोशिश करती हूँ और ये संदेश बताती हूँ कि तुम जिस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में फंसी हुई हो, जिस अंधकार में आज तुम फंसी हुई हो, उससे तो तुम्हारा कुछ होगा नहीं। लेकिन अगर तुम बाबा साहेब को जानती हो, बाबा साहेब को मानने लग जाओगी, तो जो बाबा साहेब ने हमें अधिकार दिए हैं उनका तुम सदुपयोग करोगी, अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ लेके जाओगी, तो तुम्हारे घर का विकास होगा, बच्चे पढ़ेंगे तो वो सही रास्ते पर चलेंगे, सही रास्ते पर चलेंगे तो उनकी नौकरियाँ अपने आप लगेंगी, वो अपने पैरों पर सक्सेसफुल अपने आप होंगे, और जब सक्सेस मिलेगी तो घर के अंदर शांति आएगी, ना कि तुम्हारी ये घंटी टल्ली बजाने से आएगी। ये बताने के लिए मैं सब कुछ महिलाओं के बीच जाके काम करती हूँ कि माता रमाबाई ने अपने चार चार बच्चे बलिदान करके आज हमें ये सारे अधिकार दिए हैं, लेकिन महिलाओं को पहले कपड़े पहनने का भी अधिकार नहीं था।